Hello everyone, I am Kusum and welcome to Faculty Channel. Well, we have already done two videos in this of 100 MCQs on teaching aptitude, जिसमें हमने 60 questions already कर लिए हैं, 30 questions in one video and 30 in another. And now last 40 questions are left, which I'll be doing completing this video here with 100 questions now. So let's start with the video. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव टीचिंग मीन्स क्या होता है इफेक्टिव टीचिंग लव कॉपरेशन सिंपथी होता है अफेक्शन एंड एनकरेजमेंट गिवन टू स्टूडेंट्स या कॉर्पोरल पनिशमेंट गिवन टू स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ मॉरल ऑफेंस मतलब जब कोई बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो उसको आप पनिश कर रहे हो या इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन ओपन क्लासरूम डिस्कशन या ओपन क्लासरूम डिस्कशन होना चाहिए और इंस्ट्रक्शंस भी मिलने चाहिए सबको हियर योर करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड सी क्योंकि देखिए कॉर्पोरल पनिशमेंट आपको स्टूडेंट्स को नहीं देना है एंड इट इज अगेंस्ट लॉज आल्सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज योर टीचर्स प्रोफेशनलिज्म मे बी असिस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कमिटमेंट्स एक्सेप्ट यहां पर आपको बताना है एक्सेप्ट चूज करना है कौन सा ऐसा है जो नहीं होना चाहिए टीचर्स प्रोफेशनलिज्म में कमिटमेंट टू द प्रोफेशन एंड स्टूडेंट्स कमिटमेंट होना चाहिए प्रोफेशन की तरफ और स्टूडेंट्स की तरफ कमिटमेंट होना चाहिए कलीग्स और एम्प्लॉय की तरफ कमिटमेंट होना चाहिए रिलीजन और कास्ट की तरफ या कमिटमेंट टू द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आपका टीचिंग का प्रोफेशनलिज्म नहीं है आप रिलीजन और कास्ट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते उनकी तरफ कमिटमेंट नहीं दिखा सकते हो बट बाकी तीनों आपके करेक्ट आंसर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू कम अक्रॉस टू टीच अ ब्लाइंड स्टूडेंट अलॉन्ग विद अ नॉर्मल स्टूडेंट्स व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर यू आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट अगर आपके साथ कोई ऐसा बच्चा है जिसे दिखाई नहीं देता है और ऐसा बच्चा और जो कि आप नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ उसको पढ़ा रहे हैं तो आपको किस टाइप का बिहेवियर रखना चाहिए उसकी उसको ध्यान रखना चाहिए उसकी तरफ सिंपथी दिखानी चाहिए या फिर उसकी तरफ कोई एक्स्ट्रा अटेंशन ही नहीं देनी चाहिए क्योंकि आपके पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो नॉर्मल हैं लेकिन तो उनके स्टडी सफ़र होंगी या आपको उसके लिए एक फ्रंट सीट अरेंज फ्रंट में एक सीट अरेंज कर देनी चाहिए और अपना जो टीचिंग स्पेस है उसको अकॉर्डिंग रखना चाहिए उसी के सो दैट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो नॉट सफर और उसकी भी पढ़ाई होती रहे या फिर नन ऑफ द अबव हियर योर करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर इज योर ऑप्शन सी और यही करेक्ट है देखिए आप उसको सिंपथी दिखाएंगे तो उसके अंदर एक कहते हैं ना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा हीन भावना आ जाती है बच्चे के अंदर तो ये आपको नहीं करना है उनके साथ नाउ इफ अ गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट हर पोस्ट एट योर एड्रेस अगर कोई लड़की है स्टूडेंट है आपकी वो बोलती है कि वो उसके जो उसकी जो भी पोस्ट हैं वो आपके एड्रेस में आए कुछ भी चिट्ठी है वो आपके एड्रेस में आए तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में को किस तरह से हैंडल करेंगे आप उसको परमिशन नहीं देंगे और अपनी प्रिंसिपल्स पे डटे रहेंगे क्यों बोलेंगे कि ये मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है या फिर आप उसको कभी परमिशन नहीं देंगे क्योंकि आपको लगेगा आप उसको सस्पेक्ट करेंगे कुछ तो गड़बड़ है या फिर आप उसको परमिट कर देंगे और बोलेंगे क्योंकि लड़की ही तो है चलो ठीक है बिकॉज ये एज अ ड्यूटी हो जाएगी आपकी एज अ टीचर या आप उसको परमिट करेंगे बिकॉज आपको आपका उसके साथ कुछ अटैचमेंट है आप उसको लाइक करते हैं तो आप क्या करेंगे हेयर योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर वन वाई आप उसको मना कर देंगे और ये बात करेंगे कि कुछ आपके प्रिंसिपल्स की कुछ बात करेंगे और आप उसे मना कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू आर इरिटेटेड एंड शो रैशनेस बिकॉज ऑफ एन इनएडिक्वेट बिहेवियर शोन बाय अदर्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ओन बिहेवियर अगर आप इरिटेटेड हो जाते हो और आप कुछ उनके कोई अगर आपको परेशान कर रहा है या उसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है तो आप भी उसके साथ वैसे बिहेवियर करते हो तो आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है इट इज़ जस्टिफाइड या आप जस्टिफाई कर रहे हो क्योंकि उनका बिहेवियर जैसा है तो आप उनके साथ भी वैसे ही बिहेव करोगे या आप अपना या आपको लगेगा कि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है क्योंकि जो वो आपसे बड़े हैं और आपको उनके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए या फिर आपको ऐसा लगेगा आपका बिहेवियर जो है वो गलत हो रहा है कुछ मैल एडजस्टमेंट है तो आप ट्राई करेंगे कंट्रोल करेंगे अपने बिहेवियर को सो दैट वेन सो यू ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ वेन यू आर माल ट्रीटेड मतलब आपके साथ कोई गलत तरह से बिहेव कर रहा है तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या नन ऑफ दीज क्या होगा इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे
नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के. ये इंक्रीज कर देता है वर्कलोड स्टूडेंट्स में, और क्योंकि इसमें बार बार एग्जाम्स होते हैं. नो ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है. देन इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड. हाँ ठीक है, ये करेक्ट है, मार्क्स को ग्रेड से रिप्लेस कर सकता है. इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट. बिल्कुल ये भी करेक्ट है, वो हर एक एस्पेक्ट को स्टूडेंट्स के उसको इवैल्यूएट करता है. और इट रिड्यूसेस एग्जामिनेशन फोबिया. यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि बार बार टेस्ट होते हैं तो एग्जामिनेशन फोबिया नहीं रहता है बच्चों के अंदर. हैंस योर करेक्ट आंसर विल बी बी सी डी. लेट्स सी वेयर इट इज हियर. ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम. अगर आप एक टीचर हो तो आपको अपना क्लासरूम में इफेक्टिवनेस दिखाना है, तो आप क्या करोगे, क्या बेस्ट ऑप्शन होगा. यूज ऑफ पीयर कमांड, आप उन्हें कमांड करते रहोगे. एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दोगे, गुस्से वाले स्टेटमेंट्स. अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर, अच्छा सा पोस्चर आपका होना चाहिए स्कूल क्लास के अंदर. या अथॉरिटेरियन बिहेव करोगे, कैसे अथॉरिटी दिखाओगे अपनी. हियर योर करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, कि आपका एक वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर होना चाहिए इन द क्लास. ओके. Which set of learners' characteristic may be considered helpful in designing effective teaching learning behavior? क्या characteristics होने चाहिए कि आप एक अच्छा से effective teaching learning system बना सको वहाँ पर. Prior experience of learner in respect of the subject, अगर learner का क्या पहले से experience है learning में उसी subject से related, yes this is correct, ये होना चाहिए. Interpersonal relationship of learners, family, friends, no, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. हम क्या करेंगे interpersonal relationship का, family के friends के साथ क्या बच्चे का relation, हमें कोई मतलब नहीं है उससे. Then ability of the learners in respect of the subject, yes this is also there. Student का language background कैसा होना चाहिए, येस दिस इज ऑल्सो येस, लैंग्वेज बहुत मैटर करता है. फिर इंटरेस्ट क्या है स्टूडेंट का प्रेस्क्राइब ड्रेस कोड से, इससे कोई मतलब नहीं है, टीचिंग लर्निंग सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका. और मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने मोटिवेशनल ओरिएंटेड हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ता है टीचिंग लर्निंग सिस्टम में. हैंस आर करेक्ट आंसर इज 1, 3, 4 and 6. 1 लेट्स सी वेयर इट इज, ठीक है. 1, 3, 4 and 6 योर बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्यूटली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर. क्या ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए जब टीचर्स स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स वीकनेस, क्या उसको स्टूडेंट्स की वीकनेस के लिए वो पता करने के लिए इवैल्यूएट कर रहा है. नो एब्सोल्युटली नो, ये नहीं होगा. मेक टीचर्स टीचिंग सीरियसली, टीचर और भी सीरियसली हो सके, सीरियस ले सके टीचिंग को, येस ये हो सकता, ये है आपका एक पॉइंट. टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, बिल्कुल. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा इस मेथड से नहीं समझ पा रहा, तो वो कोई और मेथड, इनोवेटिव मेथड लाए. या आइडेंटिफाई करे एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर ट्रेड. हाँ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है. हैंस योर करेक्ट आंसर इज बी सी डी. लेट्स सी वेयर इट इज, या ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचर. क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट होनी चाहिए टीचर के जब वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, जब वो क्लासरूम में कोई चीज़ कोई लेक्चर दे रहा है, कोई पढ़ाई करवा रहा है, तो क्या होना चाहिए. अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नो. क्लोजनेस को अवॉइड करना, इट इज़ नॉट वन ऑफ द एलिमेंट. वॉइस मॉड्यूलेट करना, येस दिस इज योर करेक्ट आंसर. रिपीटेटिव पॉज अगर आप लेते रहोगे तो बोरिंग हो जाएगा, और अगर आपका फिक्स पोस्चर होगा, कोई हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, फिर तो बहुत बोरिंग हो जाएगा. हैंस योर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. नाउ इसमें से आपको चूज करना है पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स है. टीचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. टीचर का नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट में. टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो किस बैकग्राउंड से आया है, नॉट एट ऑल नीडेड. उसका पढ़ाने पर इसका क्या असर, कोई असर नहीं होता है, ठीक है. देन कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, येस. कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, किस तरह से समझा पा रहा है वो स्टूडेंट्स को, बिल्कुल. टीचर का पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. किस तरह से टीचर पर्सनली कॉन्टैक्ट है उसका स्टूडेंट से, बिल्कुल जरूरत नहीं है. और टीचर का कॉम्पिटेंस मैनेज करना क्लास को और मॉनिटर करना, तो येस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हैंस योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन ए सी एंड ई. ए सी एंड ई योर फोर्थ ऑप्शन विल बी एब्सोल्यूटली करेक्ट. ओके. नेक्स्ट इज इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव. लर्नर का पार्टिसिपेशन किस तरह से एक्टिव रखोगे. डिस्कशन मेथड से, बस सेशन मेथड से, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेथड से, या प्रोजेक्ट मेथड से. आपका यह आंसर करेक्ट हो जाएगा डिस्कशन मेथड, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि बच्चा
जो आपका जो स्टूडेंट है वो भी प्रोएक्टिव होगा, वो क्वेश्चंस पुट करेगा, आप उसे वो डिस्कशन करेगा, तो वो एक तरह से एक्टिव रहेगा, लर्निंग एनवायरनमेंट एक्टिव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द पावरफुल फैक्टर्स इफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, कौन सा इसमें से सबसे पावरफुल, सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, नो, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, नो, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करना, नो, बट एजुकेशनल सिस्टम के लिए टीचिंग इफेक्टिवनेस बहुत रिलेटेड होता है. नेक्स्ट इज एसर्शन रीजनिंग, ये मैंने आपको बताया था कैसे करना, आपको बिकॉज लगाना है. ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, ठीक है, क्योंकि बिकॉज लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि टीचिंग से डिराइव किया जा सकता है. सो लेट्स सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए इज ट्रू आर इज फॉल्स या ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, हे ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट बिकॉज ये दोनों करेक्ट हैं, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट, समेटिव टेस्ट के बेसिस पे टीचर जो है वो इंटरप्रेट कैसे करेगा अपने स्टूडेंट्स को, परफॉर्मेंस किस बेसिस पे, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द वेलनेस स्टाइल एविडेंट इन बिहेवियर, ये किस किस इनमें से किस टेस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर्मेटिव टेस्टिंग के नहीं, क्योंकि फॉर्मेटिव टेस्टिंग जो होता है वो बीच बीच में लिया जाता है, समेटिव टेस्ट एक साथ लिया जाता है, जैसे हाफ ईयरली फाइनल्स या आपके समेटिव टेस्ट होते हैं. कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट देयर बिकॉज ये फॉर्मेटिव टेस्टिंग का ही एक तरह से सिनोनिम हो गया. नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, नो, ये भी नहीं, क्योंकि ये तब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर पूरी क्लास के साथ एक स्टूडेंट को का इवेल्युएशन कर रहे हो. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे फीचर्स उसी के हैं जिसमें आपको स्टूडेंट का अपना खुद का बिहेवियर देखा जाता है. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, ये किसका स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल जो जो एक इंसान होता है वो अपनी खुद की मिस्टेक्स से ही सीखता है, ये किसका एग्जाम्पल है, किस लर्निंग थ्योरी का, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का या इनसाइट लर्निंग थ्योरी का या ट्रायल एंड एरर या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल एंड एरर आपका करेक्ट आंसर है. व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या रोल होना चाहिए टीचर का जब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख रहा है, किस तरह से वो मैनेज करेगा. ट्राई टू नो द एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो इससे क्या होगा कि एप्टीट्यूड पता करेगा, इंटरेस्ट पता करेगा एक किसी का कैसा है, या ट्राई करेगा टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, येस दिस इज ऑल्सो देयर, तो हेंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ. नेक्स्ट इज टीचर शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, मतलब अगर टीचर कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको और इंटरेस्टिंग बनाता है तो उसको किस से रिलेट करना चाहिए, उसको किस चीज़ से उसे रिलेट करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, बोलना चाहिए आई डोंट नो, आपको पता ही नहीं है, या फिर ऑलरेडी जो उनको ऑलरेडी पता है, या फिर जो विलिंग टू नो, जो वो जानना चाहते हैं, या जो नॉन विलिंग टू, जो नहीं जानना चाहते हैं. Here your correct answer will be already know. Student को जो चीज already पता है वो उस चीज से नई जो चीज सिखा रहा है उसको relate करेगा तो student उसको और अच्छे से समझ पाएगा. Next is which of the following statements is not true? कौन सा statement इसमें true नहीं है? Growth is a biological process. Growth biological process है. Yes, biological process, हम बढ़ते हैं, हमारी body biological है वो. Development is a quantitative process. क्या ये quantitative process है? Let's see. Education goal oriented process है. Yes, it is also correct. Learning is a process of behavioral changes. Yes, learning से हम behavior change कर सकते हैं. But here development एक quantitative नहीं but qualitative process है. Growth आपका biological है और development आपका qualitative process है. Development को आप गिन नहीं सकते हो, आप वो एक quality होती है, develop हो रहा है, qualitative प्रोसेस हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस. सोशल इसमें आएगा, सोशल फिलोसफिकल आएगा, फिलोसफिकल आएगा या एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल आएगा. हियर योर करेक्ट आंसर इज ए, सोशल. अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई, स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस. नेक्स्ट इज स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, क्या किससे रिलेटेड होता है स्पेशल एजुकेशन?
एजुकेशनल फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, जो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स उनको एजुकेट करना, एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं जो उनको आप उनके लिए प्रोग्राम्स लाना, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स के लिए, या रिटार्टेड जो लोग होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम. हियर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. जो डिसेबल्ड होते हैं बच्चे उनको किस तरह से प्रोग्राम उनके लिए एजुकेशन प्रोग्राम लाना स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पता है जैसे ये हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है. इवन एन इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन ईजिली. जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं किसी टीचर को, वो भी बहुत ईजिली बना सकता है इन क्वेश्चन को. ये हो जाएगा आपका, या फिर ऑल चॉइस अपियर टू बी पॉसिबल. सारे के सारे चॉइसेस ऐसे लगते हैं, नहीं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे सही लग रहे हैं, ऐसे होता है. या एरर फ्री एंड क्विक इवेल्यूशन इज पॉसिबल बाय कंप्यूटर. बिना किसी एरर के जल्दी से इवेल्यूशन हो सकता है कंप्यूटर से. या फिर ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इज द करेक्ट आंसर. सिर्फ एक ही चॉइसेस में से करेक्ट होता है. यू ऑल नो एवरीथिंग अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. यहां आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि इनएक्सपीरियंस टीचर भी बना सकते हैं, नॉट पॉसिबल. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो ही बना सकता है जिसे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उस सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है, वही तो चॉइसेस दे सकेगा आंसर्स में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनामिक अप्रोचेस टू टीचिंग मींस. डायनामिक अप्रोच क्या है टीचिंग में. टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव. टीचिंग को फोर्सफुल भी होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए. टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक. टीचर्स को एनर्जेटिक और डायनामिक होना चाहिए. या टॉपिक्स जो है करिकुलम में, जो सिलेबस में, वो स्टैटिक नहीं होने चाहिए, डायनामिक होना चाहिए. या फिर स्टूडेंट को रिक्वायर करना चाहिए कि वो एक्टिविटीज के थ्रू लर्न करे. वट विल बी द करेक्ट आंसर हियर. द आंसर विल बी टीचर्स को एनर्जेटिक और डायनामिक होना पड़ेगा, तभी तो टीचिंग अप्रोच जो है वो डायनामिक अप्रोच कहलाएगी, राइट. इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड एड नहीं है. आपको पता है प्रोजेक्टेड एड क्या होते हैं, राइट. ओवरहेड प्रोजेक्टेड, यस इट इज. ब्लैक बोर्ड, एपीडियास्कोप, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्टेड एड. और स्लाइड प्रोजेक्टेड भी होता है. हेंस योर करेक्ट आंसर हियर इज ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रोजेक्टेड एड नहीं है, राइट. इट इज नॉट अ प्रोजेक्टेड एड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. कौन सा करेक्ट मेथड है ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए. राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल. बहुत जल्दी जल्दी लिखना और जितना पॉसिबल हो सकता है उतना क्लियर लिखना. या फिर मैटर को पहले जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको लिख दो और फिर उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए उसको रीड करो, क्वेश्चन पुट करो उनके आगे. या क्वेश्चन स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछो और फिर उसके देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम. तब उसके आंसर्स बोर्ड में लिखो जो बच्चे बता रहे हैं आंसर्स. या फिर राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं आपके उनको बहुत क्लियरली आप वहां पर ब्लैक बोर्ड में लिखें. सो ये करेक्ट आंसर विल बी दिस. क्योंकि ब्लैक बोर्ड में आप पूरी खिचड़ी तरह से बहुत सारा नहीं लिख सकते हो. आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो तो बच्चे उसको देखें और उनको वो चीज़ याद हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट. अच्छा अचीवमेंट टेस्ट के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. रिलायबिलिटी, यस होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी, यस होनी चाहिए. एम्बिग्विटी मतलब क्लियर, जो अनक्लियर होती है चीज़ें, ये नहीं होनी चाहिए. हर चीज़ एक क्लियर वे में होनी चाहिए जब आप कोई अचीवमेंट टेस्ट लेते हो. और वैलिडिटी भी आपकी होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब कुछ स्टूडेंट्स बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं. डेलिबरेटली दे अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय मेकिंग मिस्चीफ. व्हाट विल बी योर रोल एज अ टीचर. क्या करोगे आप तब. एक्सपेल कर दोगे स्टूडेंट्स को, आइसोलेट कर दोगे उन स्टूडेंट्स को. यू विल रिफॉर्म द ग्रुप विद अथॉरिटी. एक नया ग्रुप एक रिफॉर्म करोगे उस ग्रुप को. या उनको एक अपॉर्चुनिटी दोगे वो खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर सके और अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सके, इंप्रूव कर सके. योर डी आंसर विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट इज अ टीचर इज सेट टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस इफ ही कैन आस्क. अगर एक टीचर फ्लुएंट है क्वेश्चंस पूछने में तो वो क्या कर सकता है, क्या पूछ सकता, कैसे पूछेगा क्वेश्चंस को. मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछेगा, एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल वो करेगा, या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन अ फिक्स टाइम. सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में, या मेनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछेगा वो एक फिक्स टाइम में. यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन अ फिक्स टाइम. यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यहां फ्लुएंसी इन आस्किंग क्वेश्चन पूछा तो मतलब क्वेश्चंस तो पूछेगा लेकिन वो मीनिंगफुल होने चाहिए और एक फिक्स टाइम पे होने चाहिए वो क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज योर दोस्ट टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स हु. कौन से टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स में पॉपुलर हो जाते हैं, जो डेवलप इंटीमेसी विद देम, बहुत क्लोजनेस बहुत क्लोज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या अवार्ड देते हैं, गुड ग्रेड्स देते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते हैं, उनके एक्स्ट्रा फीस लेते हैं उनसे क्लासेस लेने के लिए. यहाँ पर आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट कि वो उनकी
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं. अच्छा, फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास, इफ अ टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, अगर आपकी फर्स्ट डे है क्लास की और अगर स्टूडेंट्स बोलते हैं आपको कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो हमें, तो आप क्या करोगे? आस्क देम टू मीट आफ्टर द क्लास, उनसे बोलोगे क्लास के बाद मिलना, या उनको एक उनको अपने बारे में बता दोगे लेकिन बहुत जल्दी जल्दी छोटे में ब्रीफ में बता दोगे, या फिर इग्नोर द डिमांड एंड स्टार्ट टीचिंग, डिमांड करोगे, इग्नोर कर दोगे कि छोड़ो क्या इंट्रोडक्शन देना और टीचिंग स्टार्ट कर दोगे, या फिर बच्चों को स्कोल्ड करोगे, डांटोगे और बोलोगे ये बहुत ही अनवांटेड डिमांड है, इट्स नॉट नेसेसरी टीचिंग में कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ. ओके, सो हियर योर करेक्ट आंसर विल बी टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ, वो अपने आप के बारे में ब्रीफ में फटाफट से अपने बारे में बता देगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल यू डू टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स, क्या करोगे क्वालिटी डिसिप्लिन करने के लिए? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे, या उनको रूल्स ऑफ कंडक्ट बताओगे, उनके रूल्स ओबे करने के लिए बताओगे, या उनको बैनिश कर दोगे, उनको डांटोगे, धुतकारोगे, या लाइक दिस? तो अगर आपको क्वालिटी डिसिप्लिन मेंटेन करनी है डिसिप्लिन की, तो आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे. देखा होगा आपने कि टीचर्स जो होते हैं जो सबसे नॉटी बच्चे होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है, तो वो थोड़ा ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वुड यू डू टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन इन स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे बच्चे आपस में कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ? गिव देम गुड रीडिंग मटीरियल ऑन कॉपरेशन, उनको अच्छा सा एक कोई रीडिंग मटीरियल बुक दे दोगे कि कैसे कॉपरेट करना चाहिए आपको एक दूसरे से, उसमें लिखाओ सब कुछ, या उनको कुछ पिक्चर्स और मूवीज दिखाओगे कॉपरेशन के बेस्ड, या उनको क्लास में बोलोगे क्लास को ऑर्गेनाइज करो ऑन कॉपरेशन, या फिर उनको एक ग्रुप वर्क दे दोगे. देखिए यहाँ पर देखें, सबसे अप्रोप्रिएट है दिस डी, ग्रुप वर्क दे दोगे आप उनको. उससे क्या होगा, जब वो कोई आप उनको एक साथ कोई काम देते हो करने के लिए, तो उनके अंदर कॉपरेशन ऑलरेडी डेवलप हो जाता है. तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिससे कि आप स्टूडेंट्स के अंदर फीलिंग्स ला सकते हो कॉपरेशन की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर ऑथोराइज टू ग्रेड द स्टूडेंट इन द प्रैक्टिकल, आपको बच्चों को प्रैक्टिकल में ग्रेड्स देने, तो आप किस बेसिस पे दोगे? एनकरेज देम टू कम टू यू फॉर प्राइवेट लर्निंग, आप उनको बोलोगे आप मेरे पास आओ मैं आपको प्राइवेट में समझाऊंगा इन चीज़ों को, या उनको ग्रेड द स्टूडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस विदाउट बींग पार्शियल, आप उनको उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करोगे, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको ग्रेड्स दोगे और कोई पार्शियलिटी नहीं दिखाओगे, या स्टूडेंट्स को उस बेसिस पे करोगे कि वो सपोर्ट स्टाफ के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, या नन ऑफ दी अबव? देखिए एक टीचर को बहुत ही अनबायस्ड होना चाहिए, को पार्शियल नहीं होना चाहिए, तो या आपका बी ग्रेड जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. डैश इज द राइट एटीट्यूड ऑफ अ टीचर टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, राइट एटीट्यूड क्या है टीचर का टूवर्ड्स स्टूडेंट्स? सुप्रीमेसी दिखाए वो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तुमसे, मुझे ये आता है ये वो आता है, या उनकी तरफ सिंपथेटिक हो, सिंपथी दिखाए कि अरे कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी हो जाए, या फिर डिसिप्लिनरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो इन चीज़ों में, या फिर टॉलरेंट होना चाहिए. योर करेक्ट आंसर ही विल बी टॉलरेंट, बींग टॉलरेंट. वाई आई एम सेइंग दिस सो इज बिकॉज एक अलग अलग बिहेवियर के बच्चे आपके सामने आते हैं, तो आप ऐसे नहीं कि कोई बहुत बदतमीज़ है तो आप उसके साथ बहुत ही गंदे रूड वे में बात करो, तो आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जामिनेशंस विदाउट नोटिस, अगर आप बिना नोटिस के टेस्ट ले लेते हो, जैसे हम बोलते हैं ना सरप्राइज टेस्ट ले लो, तो क्या होगा? दे क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कीप देम रेगुलर एट स्टडीज, उनके अंदर दिमाग में एक डर बैठ जाएगा कि कभी भी टेस्ट हो जाते तो हमेशा स्टूडेंट्स पढ़ते रहेंगे, और कैन बी टेकन व्हेन द टीचर हैज नॉट प्रिपेयर्ड अ लेसन, या तब ले सकते हैं जबकि टीचर ने लेसन ही प्रिपेयर नहीं करवा रखा है, या फिर दिस हेल्प इन करेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, या वो हेल्प करेगा करेक्ट इवैल्यूएशन में स्टूडेंट के नॉलेज को, या ऑल ऑफ दी अबव? हियर करेक्ट आंसर विल बी सी, कि इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर करेक्ट कितना नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर वो टीचर ने ऑलरेडी पढ़ा रखा है. नेक्स्ट इज डैश क्लेम द साइकोलॉजी इज अ डेफिनेट नॉलेज ऑफ बिहेवियर, किसने बोला था कि साइकोलॉजी एक डेफिनेट नॉलेज ऑफ बिहेवियर है? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका स्किनर हो जाएगा, बिकॉज जॉनसन, गोल्सवर्थ, रॉजर बर्ग ने कोई बात नहीं करी है इसके बारे में, लेकिन अगर यहाँ वॉटसन भी होता आपके ऑप्शन में, या फिर आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, हेंस हियर योर करेक्ट आंसर इज स्किनर. ओके,
नेक्स्ट इज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विच वुड फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. क्या होनी चाहिए लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवा रहे हो. प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, बिल्कुल प्रायर एक्सपीरियंस होगा अगर लर्नर का तो वो बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए और नई चीज़ों का समझना. लर्नर्स फैमिली लीनेज, किस फैमिली किस बैकग्राउंड से आया ये हो, नो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. थर्ड एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, बिल्कुल उसका एप्टीट्यूड क्या है वो आप देखेंगे, आई क्यू कैसा है. लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किस तरह से वो डेवलप हुआ है, क्या क्या उसके अंदर डेवलपमेंट्स आए हैं, बिल्कुल ये भी होता है. लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, लर्नर किस रिलीजन का स्टूडेंट आपका किस रिलीजन के बैकग्राउंड से आया ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. हेंस योर करेक्ट आंसर इज ए सी डी, ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑल टीचिंग एम्प्लाइज लर्निंग, लर्निंग बी टू बी यूजफुल, ये आई थिंक दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन. इसका करेक्ट आंसर 1 था, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इससे पहले भी था आगे की स्लाइड्स में, तो आप ये देख लीजिएगा वहाँ मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप्स कैन यू इवेल्यूएट द स्टूडेंट्स. किस बेसिस पे आप स्टूडेंट्स को इवेल्यूएट कर सकते हो, कैसे टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप्स, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, एसे टाइप, या ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव. हियर योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. अगर आप देखेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में इन सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये ही आपका करेक्ट मेथड होता है क्वेश्चन पेपर को सेट करने का. How would you get your demands materialized as representative of the teachers group? आप teachers group के एक के हिस्सा हो और आपको आपकी कुछ demands है, तो वो आपको आप किस तरह से represent करोगे teachers की group में. Meet seniors and try to work out solutions. Seniors से मिलोगे, उनके solutions को work out करोगे, या non-cooperation movement करोगे, या unannounced leave में चलोगे, बिना बताए छुट्टी ले लोगे, या फिर आप strike करोगे. यहाँ आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट मीट सीनियर्स एंड ट्राई टू वर्क आउट सॉल्यूशंस. आप सीनियर से मिलोगे, उनसे बात करोगे, तब आप सॉल्यूशन निकालोगे दोनों मिलके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. यस, सो दीज आर वर द 40 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज, आई हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस. और पहले आप खुद सॉल्व करें, जब क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद खुद सॉल्व करें, देन आप देखें कि आंसर क्या इसका आया है. Okay then, see you all in the next video. Till then, take care. Bye-bye.